एक बार रैप करो। बबलिंग करती है यार टायर ना, बहुत ज्यादा बबलिंग करती है। ये गई 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 पर प्लेट नहीं है ना, बस उसी को रोक रहे हैं और उसी का चला। बंद है, छोटा सा लेक भी मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे दो तीन लेक्स हैं यहाँ पे ना। रोड देखो यार यहाँ के कितने प्यारे रोड। तो भाई सुबह के 5 बजे इन लोगों ने मुझे उठा दिया सुबह। लेकिन सीढ़ियाँ कोई भी नहीं उठाओगा, पूरी दुनिया में कोई भी उठाओगा मेरे अलावा। नीचे है कुछ मेरे जैसे दो और गधे, उनको दिखाता हूँ अभी आपको। ये वाला बस गेट पार करना है, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। यार आके भेंट हो रही है नहाने के बाद भी, आके भेंट हो रही है। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे सारे दोस्तों। तो यार आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है, संडे है आज, आज तारीख है शायद 6, और हम सारे निकल चुके हैं। लाइनअप पीछे से आ रहा है पूरा। तो अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे, पहले एम्बियंस काफ़ी सारी सुपर बाइक्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम सीधा निकलेंगे अरावली के लिए। एक और ग्रुप है जो आ रहा है YWB ब्लॉग, वो अपना एक्सट्रीम 125 राइड करते हैं, वो सारे के सारे 8-10 लोग हैं। तो अभी उनसे भी मिलेंगे, उनके साथ फिर सारे के सारे मिल करके जाएंगे अरावली हिल्स। तो यार साथ में बने रहना, आज आने वाला है फुल ऑन मज़ा। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा रोड पे। यार ये बाइक जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सिर्फ साउंड की वजह से। और बाकी ये जो बंदा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। होती हैं कुछ कुछ अपनी चॉइसेस होती हैं और भी चीज़ें। भाई एक बार रैप करो। साउंड यार कितना ही औसम है। देखो ये यार एक सुपर बाइक वाला भी है, एक ट्रैक राइडर भी है, एक छपरी राइडर भी है, अपन नॉर्मल राइडर है। तो अपन सारे लोग हैं, अपना पूरा ग्रुप एक नंबर है। यार अभी थोड़ा ना फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, फ्यूल है नहीं गाड़ी में, तो फ्यूल अप करवाएंगे। फ्यूल अप करवाने के बाद जस्ट 2 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे एमबीएस मॉल में। अपना है ये गुड़गांव का साइबर सिटी, तो साइबर सिटी भी चेक करो। मुझे पता है यार आपने देखा होगा, ऑफकोर्स देखा ही होगा सब लोगों ने। यार एक बार मेरे चैनल पे भी देख लो, थोड़े व्यूज हमें भी मिल जाएंगे। तो अभी आप साइबर सिटी को थोड़ा सा एंजॉय करो, और साइबर सिटी ख़त्म होते ही टनल आएगा, टनल पार करते ही एंबियंस हॉल, जहाँ पे सारे के सारे भाई लोग खड़े हैं। देख रहे हो उसकी वो लीन चेक करो, इतनी खतरनाक लीन कर रहा है, हमसे तो ना हो पाएगा भाई। हम तो भाई की बराबरी भी नहीं कर सकते यार, दूर की बात है यार, बराबरी तो कोई नहीं। ये है दिल्ली का साइबर सिटी, दिल्ली का कहाँ से गुड़गांव का साइबर सिटी। भाई की चल करो, अगर मार दी तो रूम करो वो दे। हमारे तो भाई टायर ही बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता हमारा टायर, तो ऐसे ऐसे मतलब कि बबलिंग हो जाता है। एम्बियंस मॉल दिल्ली का, यहाँ पे लगता है बाइकों का मेला शनिवार को, मतलब कि रात को। तो इस मेले में हम भी शामिल होने आ गए। यहाँ का सीन कुछ इसी तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। हम लोगों को अरावली निकलना है, इसीलिए यार हम लोग सीधा निकलेंगे अरावली की तरफ। तो यार अभी यस से मिलते हैं, यस से मिलने के बाद सीधा निकलते हैं हम अरावली की तरफ। यार सुपर बाइक का लाइनअप चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है इसके। दुकाटी डाइटोना वगैरह वगैरह सब वगैरह तबैरा वगैरह सब। तो यार अब सीधा निकल रहे हैं अरावली के लिए, अरावली में होगी मुलाकात। बबलिंग करती है यार टायर ना, बहुत ज़्यादा बबलिंग करती है।
एक बार मंजिल मिल जाए फिर आपको अरावली दिखाते हैं, चेक करवाते हैं। अरावली भी यार बहुत अच्छी जगह है, आप लोग चाहो तो अरावली भी विजिट कर सकते हो यार। इवन दिल्ली NCR में जो भी लोग रहते हैं उनको एक ना एक बार अरावली तो आना ही आना बनता ही है। तो अभी आपको अरावली के ग्लिम्स क्या दिखाऊं मैं आपको, सीधा आपको वहीं जा करके दिखाता हूं। तो मिलते हैं सीधा वहीं पे। साउंड देख रहे हो यार कितना गजब का साउंड है टनल के अंदर, सुपर बाइक से कम नहीं लगती वो भी यार। तुमसे किरण दूर भाई, मौसम भी बढ़िया हो गया भाई, मौसम भी। तुमसे किरण धूप की, तुमसे ओ भाई हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा। तो हम दिल्ली NCR वालों के लिए पहाड़ों का सफर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लेकर के करीब 2-3 किलोमीटर तक अपना पूरा पहाड़ों का सफ़र है। तो यार जो हम जैसे कॉरपोरेट मजदूर हैं ना, हम लोग तो जा नहीं पाते पहाड़ों में इतनी जल्दी, तो हम रह के इधर आ जाते हैं। तो आप ये देखो दिल्ली और NCR वालों का नैनीताल, या नैनीताल भी क्यों, पहाड़ों वाला एरिया देख लो दिल्ली NCR वालों का। ये पूरा एरिया ना बिल्कुल खुला रहता है, शांत रहता है। फिर कुछ ऐसे बाइक वाले आते हैं और वो फिर हल्ला मचा के चले जाते हैं। तो यार सीरियसली मैं, पूरा शांत एरिया है, रोड देखना बिल्कुल क्लियर रोड होंगे, शार्प रोड होंगे, बहुत बढ़िया मज़ा आता है। रोड देखो यार यहाँ के कितने प्यारे रोड हैं, देख रहे हो भाई सब। थोड़ा बहुत सुकून तो मिल ही जाता है यहाँ पे आकर के। बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा रोड, और यहाँ पे इतने सारे बाइकर्स भी आते हैं और इवन अपना वीकेंड इंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और अब जब मैं लास्ट टाइम आया था तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है यहाँ पे। और आज का भीड़ भी यार मज़ा आ रहा है देख के। कहाँ चढ़ा के मानोगे मेरे भाइयों, गाड़ियों की टायर पंचर रखे हैं, फुल मार रखी है गाड़ियों की। सही है, बहुत सही है ना, फील है कि नहीं भाई, बताओ वाइब है कि नहीं। पता नहीं आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाइक थोड़ी कम पावरफुल है, अगर थोड़ी और पावरफुल होती ना तो और मज़ा आता, बट ठीक है यार इतना भी बहुत है, ये भी है बहुत है। तो इस प्यारे व्यू के साथ एक छोटा सा लेक भी मिल जाएगा, और ऐसे ऐसे 2-3 लेक्स हैं यहाँ पे ना, कि आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, थोड़ी अगर क्या बोलते हो उसको, अपनी महिला मित्र के साथ आए हो तो आराम से बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, बहुत सारी जगह है। नीचे अपना वो पूरा ऑफ रोडिंग ट्रैक है, नीचे वो पूरा ना अपना ऑफ रोडिंग ट्रैक है, आई थिंक वो चार्जेबल है, अपना अपना चार्ज वगैरह दे करके आप पूरी ऑफ रोडिंग के मज़े ले सकते हो। चल चल आगे चल, तू चल आगे, छोटा सा तालाब है ना मगरमच्छ रहता है। हाँ वो मगरमच्छ खा लियो, चल चल तू चलेगा आगे, चल चल। पिछली बार ओए ओए सुमित याद है तूने वो गड्ढे में डाली थी गाड़ी, वही गड्ढा तो है, इसकी डाल देंगे इस बार उस गड्ढे में गाड़ी। यार भाई पता है ये ऑफ रोडिंग का ना अभी सिर्फ ट्रेलर है, असली ऑफ रोडिंग तो अभी दिखाऊंगा, ये ऑफ रोडिंग का सिर्फ ट्रेलर है। तो ये रहा असली जगह जहाँ पे आप अपनी महिला मित्र को लेके आओ और एंजॉय करो, ये वही तालाब है और ये वही गड्ढा है जहाँ पे लास्ट टाइम ना सुमित घुसा था और उसकी गाड़ी अटक गई थी, अभी तो पेड़ वेड़ जग गए, अब आएगा असली मज़ा। बस यार ये GoPro है ना साला गरम ना, ओए ओए यार 15 वाले साइडो फटाफट,
जब तेरी गाड़ी जा नहीं सकती तो क्यों घुस रहा है इधर? R15 आज तक, ओ भाई साहब ये है रोड, आज पहली बार यहाँ तक आया हूँ। भाई ये R15 वाले कहाँ से आ गए इधर? यार स्कूटी स्कूटी के भी भाई तुम्हारे पास जो भी है उसे लेके आ जाओ यार, टेंशन मत लो कि ये नहीं जाएगी वो नहीं जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कुछ भी है उसे लो और उठा पटक कर दो। लेकिन कदर से, ऐसा नहीं है कि कदर नहीं करनी, कदर सब चीज़ों की करनी है लेकिन इज्जत से। ओए गोप्रो ऑन कर ले भाई, मेरे को भी ले लियो। नाइस ऑसम, पंचर होगी मुझे लग रहा है ना क्योंकि मेरे अगले टायर तो वैसे ही पूरे गंजे। ओ हो मैं भी तो इधर से घुसेड़ूंगा। भाई पीछे भी एक NS है, आगे भी एक NS है। अब कुदा दे बाद में देखेंगे क्या होगा। हटो यार R15 वाले पीछे, अबे R15 वाले पीछे हो छपरी। बंद है हमारे साथ हर बार ये चूतियापा होता है। अब गाड़ी मुड़ेगी कैसे, मोड़ेगा कहाँ से गाड़ी? गाड़ी मोड़ के ले आएगा तू है? क्या भाई अब कर लो भाई, गाड़ी घुमा के मिलते हैं आपको। की मेहनत के बाद हमने आखिरकार गाड़ी मोड़ी ली। हट जा बेबी डॉल, बेबी डॉल हट जा। BMW वाले कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। हम सारा ख़त्म कर लिया यहाँ पे, हमने कर लिए हैं बहुत ज़्यादा मज़े। अब हम निकलेंगे यहाँ से आगे और वो जो मेन वाली लोकेशन है वहाँ पे चलेंगे क्योंकि वहाँ पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मेन तो अरावली भैया ही है तो हम वैसे ही आ गए थे। चल हाँ तो यार मेन जो असली ऑफ रोडिंग है वो यही है जहाँ से लेके जाना था। थार वाले भैया ने पूरा रास्ता ख़राब कर दिया यार। R15 वाले भैया आप यहाँ क्यों खड़े हो? ये है असली ऑफ रोडिंग, यहाँ आएगा बाइक चलाने का असली मज़ा। तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता दिखा नहीं कि गाड़ी लेके कूदा दो बस। और अरे कहाँ चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई, अरे गई 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 गई। ओ भाई चेक करो लोकेशन, तो ये जो लोकेशन है यार चेक करो देखो, वो मनाली की रोड है। ये वाला रास्ता ऐसे सीधा जाता है और सीधा मनाली पहुंचा देगा। कैसा लगा मेरा मजाक भाई? ये कितना सा रह रहा है गैप। चलो चलो 30% बैटरी रह गई है। बैठा ले, रोक लेना। तो अभी थे हम कुछ देर पहले वहां पे और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से तो सीन बढ़िया लग रहा है ना यहाँ से। गई गई R15 गई भाई, R15 गई भाई। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तुम्हें भाई, लेकिन थार देखो कहाँ खड़ी कर रखी है। वो जो थार स्टार्टिंग में जा रही थी ना, वो थार वहाँ पे खड़ी कर दी उन्होंने। अगर कुछ हुआ ना इसकी फेयरिंग चटक जाएगी। असली ऑफ रोड, असली असली है। क्या लद्दाख आ गया क्या मैं आज? बस नहीं चल रही क्या तेरे से?
पता नहीं कैसे कैसे छपरी आ जाते बाइक लेके। अब चला ले 500 बारी रोक दी गाड़ी। अब गई गई बहन चोद कहाँ जा उधर जा। भाई अब हम आ गए पता नहीं कहाँ। ये बंदे कह रहे हैं यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा, तो चेक इट आउट। आप भी देखो मैं भी देखता हूँ। ये छोटी जन्नत है। ओ भाई नीचे सारा अड़ दो भाई। पता है वो वाला आ रहा नैनीताल गया था ना मैं, नैनीताल में भी ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसा लग रहा है भैया का चलान कट गया है। किस चीज का चलान काटा है इसका? नंबर प्लेट नहीं है। हैं? लिया जिसके जिसके चला अच्छा जिसका नंबर प्लेट नहीं है ना बस उसी को रोक रहे हैं और उसी का चलान काट रहे हैं। यार गलत सीन हो गया, इस बंदे का भी चलान काट दिया बताओ नंबर प्लेट की वजह से। तो यार अब अरावली से निकल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट निकल गए हैं। अब चलना है, कुछ खाना पीना है और वापस घर निकलना है क्योंकि थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। और इस बार भी ये पुलिस वाले आकर के इन्होंने गलत करा। क्या करें यार, उनकी भी ड्यूटी है लेकिन बेकार है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। बोल दो हम चले जाएंगे अगर कोई दिक्कत है तो, जो हो गया वो हो गया। कहीं बैठते हैं खाना वाना खाते हैं फिर डिस्कस करते हैं इस मैटर पे। अबे यार ब्रेक की वजह से ना मुड़ती नहीं है गाड़ी। तो अपना आधा वीकेंड ख़राब करने के बाद ख़राब तो नहीं बोलेंगे बट अपना आधा वीकेंड इंजॉय करने के बाद हम फाइनली वापस से इस टोल के बाद अपनी दिल्ली पड़ती है। हम दिल्ली में पहुँच चुके हैं, तो दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो पूरा दिन रहा यार आपने देख ही लिया होगा पीछे पूरे ब्लॉग में। तो अब फाइनली इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया क्योंकि अब दिल्ली आएगी और दिल्ली में सिर्फ ट्रैफिक है, उसके अलावा तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। और फिर मैं यहाँ से कुछ वैसे ही शूट करूँगा थोड़ा बहुत, अगर देखता हूँ अगर वो डालने लायक निकला तो वो मैं डाल दूँगा, अदरवाइज़ इस व्लॉग को मुझे यहीं पर एंड करना है। और इस व्लॉग को एंड करते हैं और धीरे धीरे आप लोग देखते रहो, मैं सीखता रहूँगा और धीरे धीरे कंटेंट को और बेटर बनाता रहूँगा और कुछ बढ़िया बढ़िया डालता रहूँगा। तो यार बस जुड़े रहना और कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब अगर मेहनत कर रहा हूँ मैं थोड़ी बहुत तो बस सपोर्ट कर देना, सपोर्ट चाहिए मुझे बस थोड़ी सी आपसे, और इसके अलावा आपका प्यार चाहिए बस। तो ये दो चीज़ अपनी बनाए रखना, मैं मेहनत करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं मेहनत करना। चलो टिल देन मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट गाइस।